दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी रेत के बादल। सुबह का नारंगी सूरज रेगिस्तानी गांव में झांकने लगा था। वैसे किसी दिन सूरज निकलना भूल भी जाए तो वहां की सुबह सिर्फ आवाजों से पहचानी जा सकती थी। दूर कहीं मोर की कूक, कुएं से पानी भरने जाती औरतों की खुसुर फुसुर, भेड़ लेकर निकले गडरियों के रेडियो में बजता आकाशवाणी कार्यक्रम, गली में आग के सफेद फूल पकड़ने दौड़ते बच्चों के पैरों की आवाज और किसी बूढ़ी दादी का बिलौने में भरा दही मथते हुए गुनगुनाना कोई राजस्थानी गीत, इन सब में एक और आवाज थी जिसे हर सुबह का हिस्सा माना जा सकता था, और वो थी मवेशियों को तालाब में नहलाने ले गए बाबा और उनकी 10 साल की बेटी मनल की आवाज। वो देख, बाबा उंगली से इशारा करते हुए बोले। मनल ने उनकी तरफ देखा और बोली, अरे नहीं बाबा, वो तो छोटी मछली है। बाबा एक एक करके आटे की गोलियां पानी में फेंकते रहे। उधर उधर उधर, वो थोड़ी देर बाद फिर चिल्लाए, कहाँ कहाँ। मनल ने उचक कर देखा, धूल भरे आकाश में उड़ते कौओं की परछाई के सिवा पानी में कुछ नजर नहीं आया। अच्छा, छाया थी, मारे को लगा मछली है, बाबा बोले। मनल ने अपनी फ्रॉक के घेर में बंधी एक अखबार की कतरन फिर से बाबा को दिखाई। यह देखो, ध्यान से देखो बाबा, ऐसी मछली खोजनी है, पीले रंग की काले धब्बों वाली। बाबा ने आटे की आखिरी गोली पानी में फेंकते हुए कहा, अब देखना, कल पक्का ढूंढ लेंगे। बाबा अपना साफा कंधे पर रखते हुए खड़े हो गए। उन्हें देख पानी में बैठे सारे मवेशी भी खड़े हो गए और तालाब से बाहर निकल आए। वो आगे आगे घर की तरफ चले, बाबा और मनल पीछे पीछे। जब से मनल अपने स्कूल से अखबार की एक कतरन लाई थी, यह उनका रोज का नियम बन गया था। बाबा, ऐसी मछली तो कभी नहीं दिखेगी ना अपने तालाब में, मनल ने पूछा था। क्यों नहीं दिखेगी, चल खोजते हैं ना, बाबा ने कहा था और आटे की गोलियां बनाने में जुट गए थे। 2 महीने बीत गए, वैसी मछली अब तक नहीं दिखी। हाँ, पर तालाब की भूरी छोटी मछलियां उनकी गोलियां खा खा कर मोटी ताजी हो गई थी। लेकिन बाबा ने हार नहीं मानी थी। बाबा ऐसे ही थे, कभी हार ना मानने वाले, कभी निराश ना होने वाले। बाबा और मनल जैसे ही घर में आए, माँ गुस्से से बोली, थोड़ी देर और बैठे रहते वहां, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी, गोलियां खत्म हो गई थी तो क्या करते वहां, कल थोड़ी ज्यादा ले जाएंगे, बाबा बोले तो माँ ने माथा पीट लिया। बालकों से भी ज्यादा बालक हो आप तो, इसने कह दिया आप रोज मछली खोजने जाने लगे हैं। माँ रोज की तरह कितनी ही देर डांटती रही। नीम तले चारपाई पर बैठे बाबा कभी मनल की तरफ देखकर मुस्कुरा देते तो कभी बस चुपचाप सुनते रहते। मनल को भी माँ की डांट की कोई चिंता नहीं थी, वो जानती थी माँ के कुछ भी कह देने से बाबा और उसका कोई भी खेल बदल नहीं जाएगा। वो मगन होकर अपनी गुड़िया को मिट्टी के बर्तनों में निम्बोली परोसती रही। अब भीतर आओगे कि यहीं बैठे रहोगे, माँ ने कहा तो बाबा और मनल दोनों उठकर भीतर चले आए। गर्मियों के लंबे दिन जल्दी शुरू होकर देर से खत्म होते थे। दिन दिन भर धूल भरी आंधियां चलती, गर्म लू के थपेड़ों के बीच सब कोशिश करते कि जल्दी से सारा काम खत्म करके मकानों के भीतर चले जाएं। बाबा और मनल के तालाब से लौटने तक माँ भी सारा काम निपटा लेती थी। सब लोग दोपहर में झपकी लेते लेकिन मनल और बाबा की बातें ही खत्म नहीं होती। अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए उंगलियों से न जाने क्या बुनते हुए मनल पूछती, बाबा क्या ऐसा हो सकता है कि इसके आगे वो कुछ भी बोले बाबा का जवाब हमेशा वही होता। क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। आज जब माँ दोपहर की चाय बनाने चली गई, मनल फुसफुसाकर बोली, वो सीनू है ना, उनके घर पे हर साल झूला बनाते हैं, पर वहां इतने बच्चे होते मेरी तो बारी नहीं आती। बाबा उसकी बात एकदम गंभीर होकर सुन रहे थे। बाबा, अब की बार हम अपने घर पर झूला नहीं बना सकते क्या, अपने नीम पर? बाबा और मनल दोनों ने ही नीम की तरफ देखा। चमकती पीली धूप में उसकी छाया कितनी फीकी लग रही थी, जैसे माँ की कोई रंगोड़ी ओढ़नी टंगी हो। बना तो सकते हैं पर, बाबा बोले,
झूला तो जब बारिश आएगी तभी बढ़ पाएगा, अभी तो बहुत गर्मी है। और बारिश कब आएगी बारिश? मनन अपनी चारपाई पर घुटनों के बल बैठ गई। वो दोनों आसमान की तरफ देख रहे थे, दूर दूर तक एक भी बादल नजर नहीं आ रहा था। वो सोमवार का दिन था, बाबा जब खेत आए तो मनल भी उनके साथ चली आई। पूरे रास्ते ऊंट गाड़ी पर बाबा के बराबर बैठी। बाबा ने ऊंट की लगाम उसको थमाई तो बहुत खुश हुई। खेत पहुंचने के बाद जब बाबा पानी शुरू करने कुएं तक गए तो वो वहीं छांव में बैठी रही। कुएं से निकलकर खेत में जैसे जैसे पानी लगता जाता, मिट्टी की तेज खुशबू आने लगती, बिल्कुल वैसी ही जैसी बारिश के बाद आती है। मनल ने आसमान की तरफ देखा, एकदम उसके सिर के ऊपर सूरज इतना तेज चमक रहा था कि उसकी नन्ही आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसने आंखें मसलते हुए बाबा को आवाज लगाई, बाबा बारिश तो आज भी नहीं आएगी। बाबा ने उसका उदास चेहरा देखा और बोले, आ जाएगी इस हफ्ते पक्का आएगी। हाँ अच्छा, मनल खुशी से बोली, आपको कैसे पता? अरे सुबह चौकी पे सब बात कर रहे थे, अखबार में आई थी कि मॉनसून आने वाला है। बाबा की बात सुनकर मनल जरा सोच में पड़ गई। मानसून? वो क्या होता है बाबा? उसने पूछा। बाबा भी सोच में पड़ गए, फिर बोले, मानसून मतलब बादल, बादल मानसून मतलब बारिश, बारिश हाँ, बारिश मतलब झूला। मनल बोली और अपनी जगह गोल गोल घूम कर नाचने लगी। दुनिया के हर पिता के लिए उसकी बच्ची का खुश होकर नाचना सबसे सुंदर दृश्य होता है। बाबा उसे देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। किस बात की खुशी मनाई जा रही, मुझे भी बताओ जरा। माँ की आवाज आई। माँ मनल और बाबा के लिए भात लेकर आई थी। बारिश आएगी माँ, बारिश, बारिश जल्दी से आएगी। मनल वैसे ही नाचते नाचते उनके पास चली आई। जल्दी? मैंने तो सबको बात करते सुना कि इस बार देर से आएगी, बहुत देर से। मनल के नाचते पैर अपनी जगह थम गए। उसने बाबा की तरफ देखा। बाबा झेपते हुए बोले, मनल की माँ तू भी ना, थारे को किसी ने गलत बता दिया होगा, मैं कह रहा हूं ना जल्दी आएगी। माँ कुछ कहना चाहती थी पर वो बोल पाती इसके पहले बाबा बोल पड़े, अरे जल्दी से रोटी दे दे, जोर की भूख लगी है। माँ ने उन्हें गुस्से से देखा। सच जानते हुए भी झूठी उम्मीद बंधाने की बाबा की ये आदत उन्हें बहुत बुरी लगती थी। खेत में पानी लगने के बाद बाबा ने घर से लाए कपास के बीज कंधे पर झोली बांधकर उसमें भरे और खेत में छिड़कने लगे। मनल उनको देखकर हंस रही थी, उनकी जोगी बाबा जैसी झोली देखकर। बाबा बीज छिड़कते हुए बोलते जा रहे थे, देखना सारे बूटे उगाएंगे और फिर बरसेगा मैं, तो सब हो जाएंगे जल्दी से बड़े और फिर लगेंगे टिंडे, सफेद सफेद फाये वाले। मनल बीच में ही बोल पड़ी, फिर मैं माँ और आप मिलके सारे फाये जमा करेंगे, फिर उनको बेच के आएंगी ढेर सारी चीजें, है ना माँ? माँ उसे देखती रही, कुछ अजीब सा था उनके चेहरे पर, जैसे हामी भरना तो चाहती हो लेकिन कुछ रोक रहा हो। हाँ मनल हाँ, बाबा वहीं से बोले। माँ बस मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद सब लोग ऊंट गाड़ी पर बैठकर साथ ही घर लौटे। अब सिर्फ मनल ही नहीं, बाबा भी बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। माँ भी अपनी ओढ़नी जरा सी उठाकर ऊपर झांक लेती थी। अब कितना कुछ सिर्फ एक बारिश पर टिका था। 10 दिन बीत गए, 10 लंबे गर्म दिन। माँ हर सुबह कुएं से 2 के बजाय 3 मटके पानी लाने लगी थी और रात को सोने के पहले चारपाइयों के आसपास अब 3 के बजाय 2 बाल्टी पानी छिड़का जाता था। मनल हर रोज बारिश का इंतजार करती। कोई सफेद बादल का टुकड़ा भी नजर आता तो उसे बड़ी आस से देखती रहती कि अब काला होगा, अब काला होगा। लेकिन तभी तेज हवा आती और उस नन्हे बादल को अपने साथ उड़ा ले जाती। सुबह मनल नीम तले बैठी खेल रही थी। आज उसके मिट्टी के सारे बर्तन खाली थे, नीम की सारी निम्बोलियां पीली होकर झड़ गई थीं। मनल ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो पहले प्यासे तोते नजर आए, फिर उनके ऊपर पीले सूरज वाला आसमान। कहीं से कोई बादल आ क्यों नहीं रहा था?
क्या बादल उस रेगिस्तानी गांव से रूठे बैठे थे? तभी तो भूले भटके भी वहां से गुजरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 4 दिन और बीत गए। उस रोज मनल ने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा माँ क्या सच कह रही थी, देर से आएगी बारिश, झूला बहुत देर से बनेगा? बाबा उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, माँ की बात अब तक लिए बैठी है, बारिश आ क्यों नहीं रही बाबा? मनल ने सवाल के बदले सवाल ही किया। बाबा ने शाम के गर्म जामुनी आसमान को बहुत देर तक देखा, जैसे मनल के सवाल का जवाब वहीं लिखा हो। फिर बोले, बारिश ऐसे नहीं आएगी, बारिश को बुलाना होगा। बाबा ने मनल को पूरी तरकीब बताई, बताया कि पहले जब कई बार गांव में बारिश नहीं आती थी तो सब क्या करते थे। तंदूर पर रोटियां सेकती माँ दोनों की बातें सुन रही थी। मनल को सब समझाकर बाबा गांव के बाकी लोगों से बात करने चले गए। सब लोग उनकी बात झट से मान भी गए और अगले दिन शुरू हुई बारिश को बुलाने की कोशिशें। शहर को जाती सड़क पर मीठे पानी की छबील लगाई गई। वहां से आते जाते सब लोगों को पिलाया गया ठंडा गुलाबी शरबत। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि प्यासे को पानी पिलाओ तो पानी बरसता है। मनल और उसकी सहेलियों के भी कम मजे नहीं थे उस दिन। उन्होंने खूब सारा शरबत पिया और हर आने जाने वाले से बोला, हमारे गांव के लिए मेह जरूर मांगना। उस दिन के बाद हर रोज ये कोशिशें चालू रहीं। गांव के सब घरों की मुंडेर पर पक्षियों के लिए पानी रखा जाता। कुएं से पानी लाने जाती औरतें गांव के बीच लगी खेजड़ी के पास रुकती, एक लोटा पानी उसे देती और बदले में तने पर लाल धागा बांधकर गांव के लिए ढेर सारा पानी मांग लेती। अब तो कितने दिन बीत गए थे, कितने लाल धागे खेजड़ी के तने पर बंध चुके थे। गडरियों के कंधे पर लटकता रेडियो हर रोज कहीं न कहीं हुई बारिश की खबर देता था, पर उस गांव में बारिश सिर्फ बाबा की कहानियों में आई। बीती रात को ऐसी ही एक कहानी सुनकर सोई मनल सुबह उठी तो देखा कि अभी धूप तो आई ही नहीं थी। एक आंख से देखकर वो वापस सोने ही वाली थी कि आसमान में नजर गई। आसमान में कितने सारे काले बादल घिर आए थे। आसमान इतना सुंदर कभी नहीं दिखा था, काले बादलों से भरा हुआ। मनल के पैर में तो जैसे पहिए बंद गए थे। बादल दिखते ही उसने बारिश के बाद ये करेंगे वो करेंगे वाले कामों की सूची बनानी शुरू कर दी थी। उसे पिछले साल की बारिश याद आ गई, फिर ये कि छतों पर जमा होने वाला बारिश का पानी पीने के लिए जमा भी तो करना होता है। वो तुरंत झाड़ू लेकर छत पर दौड़ गई। अरे माँ, मीठा मीठा पानी पियेंगे ना, मीठा मीठा, वो बार बार यही दोहराती। बाबा ने घर के सारे मटके सारी बाल्टियां कतार से बाहर रख दिए थे। बारिश तो आने तो पहले, माँ ने कितनी बार कहा, लेकिन बाबा और मनल को कौन समझा सकता था। बादल अब और काले हो गए थे, हर तरफ अंधेरा अंधेरा। लगता था बहुत तेज बारिश होगी, गलियां पानी से भर जाएंगी। मनल ने सोचा और कागज की कश्तियां बनाने बैठ गई। बाबा झूला कौन सी डाल पे बनाएंगे, वो बीच बीच में बाबा से पूछ लेती। वो देख, वो जो एक तरफ झुकी है ना, उस पे। बाबा नीम की ओर इशारा करके बताते। तेज बिजली कड़की। मनल ने कानों पर हाथ रख लिया। हवा एकदम रुक गई, बादल जोर जोर से गरजे। सबकी आंखें आसमान पर टिकी थीं। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, पहले हौले से, फिर तेज, फिर और तेज। हर तरफ धूल ही धूल थी, मौसम का सबसे तेज तूफान आया था। सब दौड़कर कमरों के भीतर चले गए। बाबा ने किवाड़ बंद करके धक्का लगाकर रखा था, फिर भी ऐसा लगता था कि अभी आंधी उन्हें परे धकेलेगी और भीतर चली आएगी, कमरे की छत ही उड़ा के ले जाएगी आज। और यह आवाज जैसे कोई गलियों में दौड़ते हुए सीटी बजा रहा हो, कानों में चुभती हुई तीखी सीटी। करीब आधे घंटे बाद जब आंधी धीमी हुई तो बाबा ने दरवाजा खोला। बाहर मनल की बनाई सारी कश्तियां रेत में दबी पड़ी थी, कहीं एक बूंद भी नहीं गिरी थी। आंधी सारे बादल अपने साथ उड़ा ले गई थी। बारिश तो आई नहीं बाबा, मनल ने बुझी सी आवाज में कहा।
बाबा ने उसे अपने पास खींच लिया और सर पर हाथ फेरते हुए बोले, रे छोरी उदास क्यों होती है, आ जाएगी। जुलाई आधी बीत गई। हर दूसरे दिन बादल उमड़ते, आसमान काला होता, भरी दोपहरी में अंधेरा सा मिल जाता और फिर बिजली कड़कती और तूफान गांव में घुस आता। गांव के लोग मान चुके थे कि इस बार बारिश नहीं आएगी, लेकिन बाबा ना तो खुद ये मानने को तैयार थे न मनल को उम्मीद छोड़ने देते थे। जब कभी बादल उमड़ते और गली में आधी दूर छांव आधी दूर धूप दिखाई देती, मनल और उसकी सहेलियां दौड़कर छांव वाली जगह जा खड़ी होती, कसकर मुट्ठियां भींच लेती। ऐसा करने से छांव को रोका जा सकता था, ऐसा करने से बादलों को रोका जा सकता था, सारे बच्चों को यही लगता था। खेत से लौटते वक्त बगुले दिखते तो मनल गाने लगती, बुगला बुगला कौड़ी दे, कौड़ी पड़गी पानी माँ, मैं बरसो ढाणी माँ। उसके साथ बाबा भी गाते। बगुले चुपचाप सुनते रहते, उन्हें जरूर सब समझ आता होगा, प्रार्थनाओं की कोई भाषा कहाँ होती है। पर हर सुनी गई समझी गई प्रार्थना स्वीकार कर ली जाए ये भी कहाँ जरूरी है। बगुले जैसे कतार बनाए आते थे वैसे ही कतार बनाए उड़ जाते थे। उनके पैरों से रेत झड़ती जाती, सिर्फ रेत। बाबा अक्सर मनल को एक कहानी सुनाते थे, एक नन्ही रेगिस्तानी लड़की की कहानी। उस लड़की के गांव में खूब पानी बरसा था, इतना कि पीले धोरे, गांव की गलियां, खेत का रास्ता और तालाब सब पानी के भीतर चले गए। ऊपर बची तो सिर्फ जलकुंभियां। लड़की जलकुंभी जमा करना चाहती थी पर कैसे, वो उन तक पहुंचने की कोशिश करती तो गर्दन तक पानी आता, आगे बढ़ती तो पानी और ऊपर तक चढ़ने लगता। फिर उसने हाथ पैर मारने शुरू किए और वो तैरने लगी। तैरते तैरते जलकुंभी तक पहुंची। वापस लौटी तो उसके बाबा ने देखा वो तो मछली बन गई थी। कैसी मछली, शायद पीले रंग की, काले धब्बों वाली। पूरा गांव तालाब बना था और वो तैरती जा रही थी। तालाब में पानी कितना कम रह गया है, किसी की आवाज आई। कोई बाबा से बात कर रहा था। बाबा ने कुछ नहीं कहा, अपने साथ लाई आटे की गोलियां वापस जेब में रख ली। मनल ने उनसे कोई सवाल नहीं किया, दोनों तालाब के थोड़े पानी को देखते रहे। अब मवेशी उसमें बैठ नहीं पाते थे, सिर्फ किनारे से पानी पीकर लौट आते। मनल और बाबा भी जल्दी लौट आए। आज तो जल्दी आए, माँ ने कहा तो दोनों कुछ नहीं बोले। मनल अपने खिलौने इधर से उधर रखती रही। क्या बात है छोरी, मिली ना थारी मछली, माँ फिर पूछ बैठी। नहीं मिलेगी, कोई मछली नहीं मिलेगी, गांव के तालाब में वैसी मछलियां होती नहीं है, मनल कहते कहते सुबकने लगी थी। बाबा झूठ कहते, सब जानते हैं तब भी झूठ कहते, बारिश भी नहीं आएगी बाबा ये भी जानते हैं, न बारिश आएगी न झूला बनेगा। मनल उठकर भीतर चली गई। बाबा चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहे। माँ बाबा को देखती रही। मैं ना कहती थी, झूठी आस से भला है सच कह देना। थोड़ी देर बाद माँ बोली, कल जिस बात के लिए उदास होना है उसके लिए आज ही उदास हो जाना। बाबा बोले, उदास तो होना ही है ना, आजकल से क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है मनल की माँ, मुश्किल टाइम। बाबा अपनी बात पूरी करते इसके पहले ही माँ बोल पड़ी, बारिश नहीं आई ना, क्या हो गया आस रखने से। बाबा कुछ नहीं बोले, चारपाई पर लेटकर आंखें मूंद ली। उस शाम फिर बादल उमड़े, बिजली कड़की, आसमान गरजता रहा और फिर वही तेज तूफान। कमरे के भीतर से ही मनल ने देखा नीम की वो डाली, वो झुकी हुई डाली जिस पर वो लोग झूला बनाने वाले थे, तूफान में टूट गई थी। उसे रोना आ गया, वो दौड़कर बाहर चली आई। बारिश क्यों नहीं आती, बरसते क्यों नहीं तुम, क्यों नहीं बरसते। आसमान की तरफ चेहरा उठाए, दोनों हाथ फैलाए, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, मनल मनल भीतरा भीतरा। बाबा उसे लाने गए मगर थोड़ी देर बाद माँ ने देखा बाबा भी वहीं खड़े थे। आंधी के बीच दोनों बाहें फैलाए आसमान की तरफ देखकर कुछ बुदबुदाते हुए।
कपास के जलते बूटे, कुएं का खत्म हुआ पानी, मनल, झूला, बारिश, वो जाने क्या क्या एक साथ बुदबुदा रहे थे। चेहरे पर धूल के गुब्बारे फेंकते, कपड़ों को उड़ाते तेज तूफान को देखकर लगता था बाबा और मनल की पुकार कोई नहीं सुन रहा था। आसमान में इस तूफान के सिवा कोई नहीं रहता था। जुलाई का महीना पूरा बीत गया। आकाशवाणी पर बारिश की खबरें अब भी आती थीं। बाबा का बोया कपास लगभग सूख चुका था। मनल चुपचाप अपने खेल खेलती, माँ के काम में हाथ बटाती और दोपहर में सरकंडों वाली छत में चोंच मारती चिड़िया को देखती रहती। बाबा आजकल पहले जैसी बातें नहीं करते थे। जब मनल पूछती, बाबा हम खूब सारी चिड़िया नहीं पाल सकते क्या, तो बाबा कहते, चिड़िया हाथ नहीं आती है। बाबा हम भी अपने खेत में कमल उगाएं तो, मनल पूछती, धोरों में कमल नहीं खिलते, बाबा कहते। बाबा इंद्रधनुष कब दिखेगा, मनल पूछती, धूप में इंद्रधनुष नहीं बनेगा, बाबा कहते। बाबा बारिश कब आएगी, मनल पूछती। बाबा मुंह फेर कर सो जाते। उन्हें यूं मायूस देखकर माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मनल से कह देती, आ जाएगी छोरी, आ जाएगी। जाने क्यों मनल को माँ की बात पर भरोसा नहीं होता। वो भी आंखें मूंद कर सो जाती। उस दोपहर भी सब गूढ़ी नींद में सोए थे। माँ, मनल, बाबा, सरकंडों में चोंच मारती चिड़िया, नीम पर रहने वाले प्यासे तोते, सब। तभी मनल को खुशबू आई। कैसी मीठी सी खुशबू थी ये, मिट्टी के भीगने की। वो नींद में ही मुस्कुरा दी। शायद किसी सपने में, किसी गांव में मेह बरस रहा था। उसने आंखें जोर से मीच रखी थी। नहीं चाहती थी कि इतने सुंदर सपने के बीच नींद खुल जाए। मिट्टी की खुशबू अब और तेज आने लगी। बूंदों के गिरने की आवाज थी। उसने आंखें खोल कर देखा। मेह सच में बरस रहा था। और ये तो उसका ही गांव था, उसका ही घर। उसने आंखें मसल कर देखा, फिर जल्दी से बाबा को उठाया। बाबा बारिश आ गई, बारिश। बाबा ने भी अपनी आंखें मसल कर दो बार देखा, तीन बार देखा, तब जाकर कहीं यकीन हुआ। नीम के पत्तों की सारी मिट्टी धुलती जा रही थी। आसमान एकदम सफेद होकर बरसता जा रहा था। मनल बाहर दौड़ गई। बाबा चुपचाप वहीं खड़े देखते रहे। आस रखने से मुश्किल टाइम कट जाता है। बाबा कुछ नहीं बोले। सही कहते थे आप, माँ ने फिर दोहराया। मनल बारिश में गोल गोल घूम कर नाच रही थी। अब तो झूला बनेगा ना, उसने पूछा। हाँ मनल, हाँ, माँ ने जवाब दिया। तालाब फिर से भर जाएगा ना। हाँ मनल, हाँ, माँ बोली। कपास खिलेगा ना। हाँ हाँ हाँ, इस बार बाबा ने जवाब दिया। उसने बाबा को भी खींच कर अपने साथ कर लिया। अब बाबा और मनल दोनों बारिश में भीगते हुए नाच रहे थे। मुंह में पल्लू दबाए दरवाजे से लगकर खड़ी माँ हंस रही थी और गुनगुना रही थी कोई बारिश वाला गीत। बस इतनी सी थी ये कहानी।